हेलो एवरीवन, आज हमें अहमदाबाद से मिलने के लिए पार्थ शाह ये खुद आए हुए हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट के रैंकर है और जिन्होंने मेरे से कॉस्टिंग भी पढ़ा हुआ है। इस कोड 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग और आज हम लोग उनकी जुबानी दे समझ लेते कि उन्होंने स्टडी कैसे किया था। और अभी मैं पार्थ शाह को पूछता हूँ, पार्थ तेरा फाउंडेशन से लेके इंटर तक का जर्नी जो ICI के साथ था या मेरे साथ था, आज हम लोग सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आप, पहला क्वेश्चन है, फाउंडेशन के पहले 12th स्टैंडर्ड ये आपका कोरोना में ही गया था? यस सर। तो 12th स्टैंडर्ड कोरोना में जाने के बाद आप फाउंडेशन में 305 जो स्कोर हुआ था वो कैसे हुआ था ये बताइए। वो एक्चुअली 12th में एक आदत हो गई ऑनलाइन पढ़ने की, तो फाउंडेशन जब आया तब स्टार्टिंग में तो सेल्फ स्टडी से ही किया। फिर जो जो चैप्टर्स में प्रॉब्लम आने लगे अकाउंट्स में, जैसे जो जो नए थे 12th में नहीं थे, वो आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए। जैसे पार्टनरशिप वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ, तो लॉ था, वो लॉ पूरा नया था। तो वो ऑनलाइन मैं ऐसे ही देख रहा था और उसमें ICI के ही हमारे जो VCC है वो मुझे मिल गए। और तब तो एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, जुलाई में था एग्जाम और मैंने जून में चालू किया था पढ़ना। मतलब एक महीने पहले शुरू किया था? हाँ, मेनली तभी किया था जून महीने। हाँ, तो तब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही थे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब आपने शुरुआत तो पहले से किया रहेगा, ऑनलाइन लेक्चर्स आपने एंड एंड में देखे होंगे क्या? आपने पूरा जर्नी जून में चालू किया था। बुक्स मंगा ली थी पर एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो पढ़ने की इच्छा नहीं रही थी। बुक्स मंगवा ली थी पर आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी। यस, आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद आई थिंक आपने 2 months में एग्जाम दिया मतलब? हाँ, 12th का तो एग्जाम ही नहीं दिया मैंने, और फाउंडेशन का जो एग्जाम चल रहा था तभी मेरा 12th का रिजल्ट आया था, ऐसा था। ओके, तो हम लोग ज्यादा फाउंडेशन पे बात नहीं करेंगे, फिर भी एक क्यूरियोसिटी है मुझे, अकाउंट्स में कितना स्कोर था आपका फाउंडेशन में? फाउंडेशन में कुछ याद है आपको? 75 जितना। 75, और वो भी एक महीने के जर्नी में? हाँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, जब आपने मेरे फाउंडेशन के लेक्चर्स देखे थे अकाउंट्स के, कौन से टॉपिक्स देखे थे आपने? मेनली पार्टनरशिप था और उसके अलावा जो कंपनी भी था। हाँ, कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी था। हाँ, वही। सो ये मेन लास्ट के जो दो चैप्टर्स जो सबसे बड़े चैप्टर्स है वो आपने देखे थे, ठीक है। पर फाउंडेशन में आपको एक्सपेक्टेड था 305 स्कोर आएगा? फाउंडेशन में मैंने कुछ सोचा नहीं था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा स्कोर अच्छा होता है, तो ओके, ठीक है। फिर हम लोग अभी आपकी इंटर की मेन जर्नी जो है, क्योंकि इंटर की जर्नी आपने शुरू की, मुझे जितना याद है आप फाउंडेशन में एग्जाम होने के बाद तो कुछ भी नहीं किया था रिजल्ट आने तक। शायद से सभी बच्चे इंटर का रिजल्ट आने के पहले ही, फाउंडेशन का रिजल्ट आने के पहले ही इंटर का स्टडी स्टार्ट करते, तो आपने कुछ किया था? नहीं, मैंने 2 महीने तक कुछ स्टडी चालू नहीं किया था। यही थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो आप आज फर्स्ट रैंक भी हो सकते थे। ओके, कोई बात नहीं, CA फाइनल में आपका फर्स्ट रैंक हो जाएगा। मैंने आपको शायद से तब डाटा भी था कि आप 2 महीने क्या कर रहे थे। हाँ, बहुत बार आपने ये पूछा भी था आपको कि क्यों 2 महीने आपने वेस्ट किए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, जब हम लोग लाइव सेशंस लेते थे, हालांकि ICI के जब लाइव सेशंस होते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के दिल्ली के, तब मैं जब भी कुछ क्वेश्चंस पूछता था, पार्थ एक ऐसा लड़का था जो तुरंत 3 या 5 सेकंड में मुझे आंसर देता था। और बार 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 पार्थ का नाम मैं क्लास में लेता था। आप कभी भी बैच नंबर आई थिंक 4 थी, बैच नंबर 4 थी आपकी, और आप कभी भी वो लेक्चर्स देखिए आपको पार्थ का नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि पार्थ मैंने कभी फेस देखा नहीं था इंटर में, पर मैं इतना जान फर्स्ट टाइम मिले। हाँ, आज तो फर्स्ट टाइम मिले हैं, नहीं ऐसा हमने जूम पे इंटरेक्शन किया था, पर फेस टू फेस तो आज मैं पहली बार ही मिला इनको। पार्थ ने जब तब स्टडी करता था, मुझे इतना तो समझ गया था अकाउंट्स के टाइम पे कि इसको नॉलेज तो बहुत अच्छा है, तो ये मैं कांटेक्ट करने की कोशिश इसने मुझे की। तो आपको क्यों लगा कि संकेत सर को कांटेक्ट करते हैं? कॉस्टिंग का आपने कहा था कि पुणे ब्रांच में आप लेते हो, तो अकाउंट्स इतना अच्छा चल रहा था तो मुझे लगा कि एक और सब्जेक्ट ट्राई कर सकता हूँ। कॉस्टिंग में मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो तब मैंने पुणे ब्रांच से कॉस्टिंग के आपके लेक्चर्स लिए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने कॉस्टिंग के लिए भी थे। अभी कुछ मेरे क्वेश्चंस है, कॉस्टिंग में 99 मार्क्स, मैं स्पेशली कॉस्टिंग पे ही फोकस करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कॉस्टिंग। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स है सर, वो समझ में नहीं आता सर हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड। तो आप आज हम लोग स्पेशली कॉस्टिंग के बारे में ही बात करेंगे, और मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया, अकाउंट्स कैसा है कि आपको बेसिक जनरल डेबिट क्रेडिट आता रहेगा तो पोस्टिंग से मार्क्स मिल जाते,
पर कॉस्टिंग में होता यह है कि फॉर्मेट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं, एवरी टाइम प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। तो आपको एग्जाम के पहले, जब मुझे, मैं एक छोटा सा इंसिडेंस भी बताता हूं कि जब हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे थे, मॉक टेस्ट के टाइम पे आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया था कि सर मुझे पेपर इतना अच्छा नहीं गया, आपको याद होगा। हाँ, मेरा मॉक टेस्ट में 20 मार्क्स का तो पेपर छूट गया था। वेरी गुड, ये आपने मॉक टेस्ट दी इसलिए आपको ध्यान में आया कि मुझे मेन एग्जाम अच्छे से देना है। सो 20 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट का पेपर छूट गया था, और वो भी एग्जैक्टली एक महीने पहले। तो आपने कॉस्टिंग का आगे का पार्ट, जो ये 20 मार्क्स, मतलब ये बहुत बड़ा बोल सकते कि आपने छोड़ दिया था, तो आपने कैसे ओवरकम किया ये 20 मार्क्स पे से? मेनली तो हमारा जो आईसीए के मॉड्यूल है उसके ही 4-5 बार तो मॉड्यूल ही पूरा सॉल्व किया, क्योंकि हर बार मैं स्टार्ट करता था तो ऐसे ही लगता कि कुछ आता नहीं है। तो मॉड्यूल 4-5 बार किया, फिर एक बार वो हुआ, उसके बाद मैंने जो हमारा स्कैनर है, जो सारे पास क्वेश्चन वगैरह है उसके पूरा का पूरा सॉल्व किया, फिर इंडेक्स वगैरह हर एक क्वेश्चन का जो जो इम्पोर्टेंट है उसका, वो एंड में बहुत एक्चुअली काम आता है आखिरी दिन पे। तो और उसके अलावा मॉड्यूल ही मेन था। उसके अलावा आपकी नोटबुक अच्छे से मेंटेन थी कॉस्टिंग के अलावा सारे सब्जेक्ट में? अच्छा, कॉस्टिंग का नहीं था? नहीं, कॉस्टिंग का नहीं हो पाया था। इंडेक्स तो भी मेंटेन। तो मेन टॉपिक आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके फॉर्मूले याद रखना बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। तो आप याद हो गया था आपको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? जैसे मैंने बोला नोटबुक मेंटेन नहीं थी, वो कैसे हो गया था कि जितनी नोटबुक थी सब में सारे के सारे चैप्टर थे, तो कोई भी नोटबुक उठा के देखो तो उसमें सारी फॉर्मूलास थी, उतना बार मैंने वो रिपीट किया था। तो आपका रिवीजन का मतलब, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट्स कॉस्टिंग में प्रॉब्लम लिखते जाते हैं, पर उनको एंड में, मतलब एग्जाम के टाइम पे जब सब टॉपिक साथ में आते हैं तो पेपर में बहुत दिक्कतें जाती है। तो आपको ऐसा लगा था कि आपको 99 मार्क्स मिल जाएंगे, या पेपर सॉल्व करते टाइम आपको ऐसा फ्लो आ गया था क्या? मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि आपको ऐसा टेंशन ही नहीं आया कि हर प्रॉब्लम इजी है डिफिकल्ट है, क्या हुआ था एग्जैक्ट? 99 का तो कभी नहीं सोचा था, पर ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, पेपर जब आया था तब एकदम फ्लो में आंसर्स आ रहे थे, कभी वो कोई क्वेश्चन में ऐसा सोचने का भी टाइम नहीं लेना पड़ रहा था, अटके नहीं ऐसा। हाँ, वो एक्सपेक्टेड नहीं था पर हो गया ऐसा। एक्सपेक्टेड तो कॉस्टिंग में 99 किसी को नहीं है, पर होता क्या है कि मैं आपको इसका एक डिसिप्लिन, अभी हम लोग आते हैं कि इसका डिसिप्लिन क्या था, क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंस पहले से बताता हूँ कि ये रोज लास्ट के 3-4 मंथ्स ये रोज मुझे स्केड्यूल भेजता था कि डेली कितने बजे उठा, कितने बजे सो रहा है, और कितने बजे कितने सब्जेक्ट्स किए। और बाकी बच्चों को बहुत सारे क्लासेस इंडिया के पता होते, ये देखो वो देखो, आपको कितने क्लासेस बाहर के पता है? सिर्फ एक ही, आईसीआई पुणे ब्रांच, एक ही क्लास पता था। दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, मैं पहले ही बोल देता हूँ। पर होता क्या है कि इनको, क्योंकि बच्चों में डिस्कशन होता है कि इधर के नोट्स पढ़ो, टेलीग्राम के नोट्स पढ़ो, इनके नोट्स पढ़ो, उधर कलर नोट्स रहते हैं, ये सब रहता है। तो आपने ऐसा कुछ कलरफुल पढ़ा था या ओनली स्टडी मटेरियल पढ़ा? एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था, सारे जो 12th के फ्रेंड्स थे वो 6 महीने बाद देते फाउंडेशन। Okay. तो सब 6 महीने पीछे ही थे, तो और फाउंडेशन इंटर दोनों टाइम कोई फ्रेंड के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, तो वो डर जो नेगेटिव बातें करके आता है ना वो कभी नहीं आया। मतलब जो बच्चों में एक मैंने देखा है इधर का नोट्स देखो, ये इसका देखो, ये आपके साथ कभी हुआ ही नहीं, मतलब आपने पूरा फोकस स्टडी मटेरियल। हाँ, जो मेरा है वही बेस्ट है और कुछ नहीं। वेरी गुड। मतलब आपने आईसीआई मटेरियल यूज किया था, और खुद की कुछ नोट्स बनाते थे आप? हाँ, जो आपके लेक्चर्स वगैरह उसमें रनिंग नोट्स जो बनती है और इंडेक्स आप जो लिखाते हो वही सब। ओके, सो इंडेक्स बनाते थे रिवीजन के टाइम पे। अभी आप एक बार आपका डेली स्केड्यूल क्या होता था इस पे मुझे थोड़ा सा बताइए। तो पढ़ाई का तो जो होता था उसके अलावा मैं रोज ट्राई करता था कि सुबह मैं जल्दी उठता था 4:30-5 बजे आखिरी 5-6 महीने में। तो बच्चों का सोना 2 बजे होता है, आप उठते थे 4:30 बजे, मतलब सोना आपका कितने बजे होता था? 9:30-10:30, इतना पंक्चुअल टाइमिंग रहता था आपका? हाँ, मेरा 9:00 मैं पढ़ाई करके उठ जाता था, वो इतना फिक्स है कि कितना भी सिलेबस बाकी हो, प्लान किया हो पर बाकी हो, फिर भी मैं 9 बजे तो उठ ही जाता था। 9 बजे आप पढ़ाई स्टॉप करते थे और 30 मिनट्स में आप सो जाते थे। हाँ। ओके, और आपका सोशल मीडिया के साथ कितना कांटेक्ट था? जीरो। आजकल ये होता है कि 9:00 को सोशल मीडिया हाथ में लिया जाता है और
दस साढ़े दस बारह एक दो कब बचता है, स्टडी कुछ नहीं होता और 9:02 चैटिंग और इसमें से ही सब होता है, तो आप सोशल मीडिया में जीरो थे, ना आपके कोई फ्रेंड्स थे। आपका फ्रेंड शायद से मैं ही रहूंगा दिन भर में सर के साथ ही कॉन्टेक्ट करना। हाँ, डेली स्केड्यूल रहेगा मम्मी पापा और सर, ये तीन लोग रहते थे। हाँ बस सुबह मैं उठता था और सुबह उठ के वो ठंडी भी स्टार्टिंग में तो थी जैन फेब में, यस, तो तब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता था, दूध पीता था आधे घंटे के बाद, फिर मैं पढ़ने बैठता था और फिर उसके बाद जो हमारा लेक्चर होता था सुबह 7:30 बजे का और सात बजे का जो रहता था वो लेक्चर चालू होता था। उसके बाद एक लेक्चर 2.5 आवर्स का होता था जो अपना अकाउंट्स का, तो 3 घंटे चलता है। फिर उसके बाद फ्रेश होके नाश्ता करके वापस रिवीजन, फिर रिवीजन 12-1 बजे तक, फिर लंच, और लंच करके मैं रोज बुक रीड करता था। एक्चुअली मुझे बुक रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो रीडिंग मतलब रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल या अदर देन? नहीं नहीं, नॉन फिक्शन मेरे इंटरेस्ट के। अच्छा, तो उसके इंटरेस्ट के मतलब आप देखिए कि इनको ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर सीए स्टडी कर रहा हूँ, कि अदर देन दैट एक्सरसाइज भी चालू था, फिटनेस तो देख ही रहे हो मतलब बिल्कुल भी उनको एकदम अभी भी प्रॉपरली मेंटेन है। दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि रैंकर था इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, एक जगह पे बैठूंगा, नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूंगा, अदर देन बुक्स स्टडी मटेरियल ये भी वो पढ़ते थे। तो मैंने आखिरी 4 महीने में 3 बुक्स खत्म की थी। अरे वाह, आप इंसान ही अलग दिख रहे ऐसे। तो दो बुक्स जो रीड करते थे, फिर उसके बाद फिर सो जाता था। तो सोने से क्या होता था दोपहर को सोने से, कि जब वापस उठता था तब एकदम फ्रेश फील होता था कि पूरा नया दिन चालू हुआ। तब आप दोपहर की नींद लेते ही थे? हाँ, फिक्स था ये। फिक्स कितने बजे सोते थे? 2 to 3:50। अच्छा, तो ये एक राज बोल सकते हो आप कि दोपहर का 1 आवर ये इनको फ्रेश कर देता था। और मतलब आप क्लास 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 ये दिन भर नहीं करते थे? नॉर्मली सीए स्टूडेंट का होता क्या है कि वो 7 बजे निकलता है, शाम को 5 बजे तक क्लास करता है। अभी वो क्या पढ़ेगा आप मुझे बताओ कि 7 बजे से 5 बजे तक? मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि डेली आप 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ो जब शुरुआत करते हो, 2 से 3 सब्जेक्ट्स। हाँ, हमारा वही बेस्ट था ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे और बाकी लाइव होते थे। तो फिर शाम को उठ के मैं रिवाइज करता था और फिर 6 बजे हमारा लेक्चर होता था। 3 बजे से वापस 6 तक पढ़ते थे आप? 3 to 6:15 to 6 o'clock, 6 to 8:30 शायद से। हाँ, और लेक्चर के पहले डिनर कर लेता था अगर हो जाता है। अच्छा, तो मतलब मैं आपको शॉर्ट में इनकी समरी देता हूँ कि ये दिन भर में 6 घंटे के सेशंस देखते थे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 4 to 5 hours सेल्फ स्टडी भी करते थे, 4 hours, और 2 घंटे की नींद, 1.5 घंटे की नींद बोल सकते हो दोपहर को, एंड 9:30 से 4, मतलब ऑलमोस्ट आपकी दिन भर में 8 से 8.5-9 घंटे तक आप अच्छा नींद लेते थे। और नींद अच्छी होने के वजह से फ्रेशनेस रहता था, याद भी अच्छे से होता था। हाँ, डेफिनेटली। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तो आपका स्टडी का स्केड्यूल हुआ, ये पहले 4-5 महीने हुआ रहेगा या 6 months हुआ रहेगा, जब 2 ग्रुप आप दे रहे थे और हालांकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया था मतलब रिजल्ट के बाद। हाँ। तो आपको कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं 2 ग्रुप मैनेज कर पाऊंगा करके या नहीं कर पाऊंगा, क्या लगता था आपको? नहीं, जनवरी तक काफी वो ट्रैक पे नहीं आया था मेरा। शुरुआत कब की थी आपने? शायद से अक्टूबर एंड से जनवरी तक आप क्लासेस कर रहे थे और प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बैठा, रिवीजन और वो सब नहीं कर रहे तब, उतना रियलाइज नहीं हुआ था। फिर जनवरी में मेरे 1-2 कजिन्स थे, आप थे, जनवरी में भी हमारा तब कॉन्टैक्ट बढ़ा था, तो तब पता चला कि रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है, तो तब से मैंने रिवीजन चालू किया। और फिर एक चीज़ सोचा कि एक दिन का प्लान एक ही दिन करने का, ज़्यादा सोचने से कोई मतलब नहीं है। वन डे एट अ टाइम आप प्रॉपरली मतलब सब्जेक्ट्स एट अ टाइम 2-3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ते थे? नहीं, ज़्यादा। कितने सब्जेक्ट्स आपके डेली होते जब तक लेक्चर चालू थे तब तक 4 से 5, और एक बार सारे लेक्चर खत्म हो गए फिर मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट करता था। मतलब 8 सब्जेक्ट्स आप डेली मैनेज करते? 8 तो पेपर है, सब्जेक्ट्स तो 12 है, तो मैं 10 सब्जेक्ट्स टच करता था। अरे मतलब वो GST, इनकम टैक्स, इको, FM, तो ये सब्जेक्ट्स जो थे, EIS, SM, तो उन्होंने ऐसे 12 सब्जेक्ट्स बोले हुए। एंड उसमें उन्होंने जो बताया कि डेली स्केड्यूल में लास्ट के 2 महीना प्रेशर तो बहुत होता है बच्चों पे, बोथ ग्रुप्स मैनेज करने वालों को। हाँ, मेरा April 1st week में तो सिलेबस खत्म होता है एडवांस अकाउंट का, तो और April 10th, 15th तक। April 10th तक आपका सिलेबस खत्म हुआ? हाँ। तो आपके पास बचे थे सिर्फ गिन के
वन मंथ रहेगा मैक्सिमम। हाँ वन मंथ भी नहीं बोल सकते हैं, 25 days, 20 days। हाँ मई 15 से चालू होता है। अच्छा मई 15 से, तो मतलब एक महीना था आपके पास, तो वो वन मंथ में आपने पूरा रिवीजन किया बाकी 8 subjects तब, तो वो तो सबसे बड़ा प्रेशर का टाइम रहेगा। मेन मैंने बोला ना कि जनवरी से ही मैंने रिवीजन चालू किया था, तो कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहते तो तब रिवीजन में टाइम नहीं लगता, और एक एक सब्जेक्ट एट अ टाइम नहीं लेता था, 10.5 subjects एक साथ करते हैं तो क्या हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ आधा एक घंटा, पर वो कॉन्फिडेंस एक भी सब्जेक्ट से वो फ्लो नहीं छूट जाता कि एग्जाम के पहले जब ले ऐसा नहीं लगे कि ये कब पढ़ा था क्या पढ़ा था। कंटिन्यूअस रिविजन हाँ की ऑफ सक्सेस हम लोग बोल सकते हैं। डेली बेसिस पे रिविजन, मतलब संडे को करते थे या डेली करते थे पहला? डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आप यदि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप सपोज बोनस शेयर चैप्टर पहला था और लास्ट चैप्टर सिंगल एंट्री या ब्रांच अकाउंट्स आप बोल सकते हो, तो आप पूरे टॉपिक्स मतलब बीच बीच में क्या आपकी 100 pages की नोटबुक थी या की नोट्स की कुछ नोटबुक बनाई थी, जैसे मैं बताता था फॉर्मूला की बुक बनाओ तो वैसे बना के रखी थी आप? फॉर्मूला की बुक तो वो तो डेली बनी रही थी, पर रिवीजन तो जब कर रहे थे पूरा ही मॉड्यूल सारे क्वेश्चंस वापस। एक सिर्फ मेरा आपको क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चों का क्या होता है कि सब कुछ उनको रेडीमेड चाहिए जैसे मैगी होता है, तो आप मुझे बताओ कि आपने रेडीमेड नोट्स के ऊपर फोकस किया था या खुद के हैंड रिटन नोट्स पे फोकस करते थे? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, मैगी रोज खाते तो पेट खराब हो सकता है। ओके मतलब हैंड रिटन नोट्स, इन्होंने कोई भी नोट्स रेफर नहीं किए थे अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल, और इनके खुद के नोट्स रहते थे, और हम लोग जो बोर्ड ऑफ स्टडीज पे प्रोवाइड करते थे वो माइट भी देख सकते थे आप, मतलब आपको हम लोग देते, पर इन्होंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे जो लास्ट में उनको सबसे ज्यादा हेल्प हुआ। तो ये याद रखो, सर लोग जो देते ना वो हम लोग पढ़ते नहीं, पर जितना खुद से पढ़ते वो इम्पॉर्टेंट है, जितना खुद से पढ़ते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद के ओन हैंड रिटन नोट्स यही काम में आते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ये रिकॉर्डेड लेक्चर या यूट्यूब पे ये देखने वाले हो, तो आप ये ध्यान में रखो कि इन्होंने जो पढ़ाई की थी ये सिर्फ स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा और आपको भी अहमदाबाद निकलना है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस दोगे कि जो भी मेंटली कितना फिट होना चाहिए, और आपने स्टडी तो अच्छे से किया, स्टडी मटेरियल से किया, ये हमने शॉर्ट में मैंने बता ही दिया, ओन नोट्स निकाले, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत से बच्चे बहुत प्रेशर में आते हैं, तो आप उनको क्या बताओगे ये मुझे बताइए। ज़्यादा प्लानिंग मत करो, ज़्यादा सोचो मत, एक दिन एक साथ एक दिन का सोचो, उसमें जितना हो पाए उतना करने की ट्राई करो। मैं एक दिन में जैसे 10 subjects लेता था तो उसमें मैं पेपर्स भी पास पेपर्स करता था, तो एक पेपर तो 3 घंटे का होता है, पर मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लेता था, तो पास पेपर भी करता तो वो भी ओवर 3 दिन करता था मैं। एक सब्जेक्ट पे अटके मत रहो, अच्छा लगता है तो वही सब्जेक्ट बार बार करो, ये भी मत करना, तो दिन भर में डेली स्केड्यूल डिवाइड कीजिए जो भी 2 groups देने वाले, और रिविजन्स ये फर्स्ट डे से करनी चाहिए, यही इन्होंने बताया हुआ है। पार्थ, सीए फाइनल में आप खुद को कहाँ पे देख रहे हो? Rank 1 ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, आपको जितनी हेल्प चाहिए मैं करूंगा, पर मुझे भी Rank 1 आप बना के ही बताओ कि सर मैं सीए फाइनल में, जो स्केड्यूल जैसे हम लोग हमारी जर्नी फाउंडेशन इंटर, फाउंडेशन में तो नहीं थे आप मेरे साथ, पर इंटर में मैंने आपके ऊपर फोकस किया था, और सेम चीज मैं चाहता हूँ सीए फाइनल में भी ऐसे डेली स्केड्यूल, थोड़ा ये मत आने दीजिए कि हो जाता है सर अभी फाइनल में, मुझे Rank 1 ही चाहिए आपका, तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और थैंक यू आप यहाँ पे आए और आपने हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस दिया रैंक में आना। देखो मैं सभी बच्चे सेम नहीं रहने वाले हैं, एवरेज स्टूडेंट्स है, पार्थ के बारे में एक है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर मेंटली ये लोग बहुत फिट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि इसी का जर्नी आपने अडॉप्ट करना चाहिए, पर जितने भी बच्चे इसको फॉलो करेंगे या आप लोगों को इतना ही बता रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल यही इनका सक्सेस था और खुद के नोट्स, तो आप सभी वही करना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा नोट्स इधर उधर कलरफुल नोट्स ये भी मत रीड कीजिए, और निगेटिविटी में बहुत सारे रहते, तो पार्थ ने बताया मेरा एक भी दोस्त नहीं था, एग्जाम के पहले भी कभी आप डिस्कशन भी नहीं करते रहोगे किसी फ्रेंड के साथ कि ये बाकी है वो बाकी है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा, यही इम्पॉर्टेंट है। हाँ थैंक यू पार्थ। थैंक यू सर। यस, और बेस्ट ऑफ लक।